जैन साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, राज शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2023-24 के लिए राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इसके अंतर्गत जो विद्यार्थी शासकीय विद्यालय, शासकीय अनुदान प्राप्त विद्यालय या स्थानीय निकाय द्वारा संचालित विद्यालयों में सत्र 2023-24 में कक्षा 8वीं में पढ़ रहे हैं, वे इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं। परीक्षा के आवेदन हेतु कक्षा 7वीं का प्रगति पत्रक अर्थात अंक सूची, आय प्रमाण पत्र अथवा शपथ पत्र, और यदि विद्यार्थी SC/ST का है या दिव्यांग है या विकलांग है उसकी छाया प्रति संलग्न करनी होगी। तो आइए साथियों देखते हैं विस्तृत विज्ञापन। यह विज्ञापन है राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा सत्र 2023-24 का। लिखा है कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित केवल शासकीय अनुदान प्राप्त स्थानीय निकाय द्वारा संचालित विद्यालयों में सत्र 2023-24 में कक्षा 8वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए। लिखा है कि योजना जो है सत्र 2008 से प्रारंभ हुई थी और ये जो परीक्षा सत्र 2023-24 की है, यह परीक्षा जो है दिनांक 24 सितंबर 2023 को आयोजित होनी है। जो विद्यार्थी परीक्षा में पास हो जाएंगे उनको प्रतिवर्ष कक्षा 9वीं से 12वीं तक 12,000 रुपये के मान से छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, अर्थात कुल छात्रवृत्ति 48,000 चार सालों में प्रदान की जाएगी। इसके लिए शर्त है कि विद्यार्थी को कक्षा 10वीं में न्यूनतम 60% और 9वीं से 12वीं में पहली बार में प्रयास में मतलब पहली बार में जो है उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, अर्थात उसको जो है किसी कक्षा में फेल नहीं होना चाहिए। इसके लिए पात्रता है, जैसे कि आपको बता चुके हैं, वह विद्यार्थी जो शासकीय विद्यालयों में पढ़ रहे हैं और सत्र 2023-24 में कक्षा 8वीं में अध्ययनरत हैं, और जिन्होंने कक्षा 7वीं की परीक्षा में कम से कम सी ग्रेड प्राप्त किया हो और उनके अभिभावक या माता पिता की वार्षिक आय जो है 3,50,000 से अधिक नहीं हो, वे विद्यार्थी इस परीक्षा में बैठने के पात्र हैं। आगे दिया है सिलेबस या पाठ्यक्रम। लिखा है कि इस परीक्षा के लिए कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं है। जो प्रश्नों का स्तर होता है कक्षा 7वीं और 8वीं की परीक्षा के समान होता है। आगे दिया परीक्षा शुल्क, इस परीक्षा के लिए कोई शुल्क देय नहीं है। फिर दिया है माध्यम, तो परीक्षा का माध्यम हिंदी अथवा अंग्रेजी होगा। आगे दिया आरक्षण, तो आरक्षण जो है SC/ST के विद्यार्थियों को और जो निःशक्त विद्यार्थी हैं उनको आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। OBC और EWS के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं रखा गया है। जो आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि है वह 1 जुलाई 2023 है और अंतिम तिथि 20 जुलाई 2023 है। इसमें संभावना है आगे जो है अंतिम तिथि में वृद्धि होगी। जो परीक्षा का दिनांक है वो 24 सितंबर 2023 दिन रविवार है, अर्थात जो परीक्षा है आपकी वो 24 सितंबर 2023 को आयोजित होगी। और जो परीक्षा शुल्क है निःशुल्क है, अर्थात इस परीक्षा में बैठने के लिए छात्र को किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना है। परीक्षा जो है दो पालियों में होगी। पहला है प्रातः 10 बजे से 12:30 तक, इसके अंतर्गत मानसिक योग्यता की परीक्षा होगी। दूसरा है 12:30 से 2:15 तक, इसके अंतर्गत जो विषयगत पेपर है उसकी परीक्षा होगी। देखते हैं विस्तार से, जो मानसिक योग्यता की परीक्षा है इसमें कुल विद्यार्थियों को 90 मिनट मिलेंगे और प्रश्नों की संख्या भी 90 रहेगी, और एक जो प्रत्येक प्रश्न है एक अंक का होगा, अर्थात कुल 90 अंकों का होगा। और जो शैक्षिक योग्यता की परीक्षा है अर्थात SAT, इसके लिए भी 90 मिनट मिलेंगे, 90 प्रश्न आएंगे
और अधिकतम अंक होंगे 90। जो अर्हता अंक है या पास होने के लिए न्यूनतम अंक हैं, तो समान वर्ग और ओबीसी के लिए 40% अर्थात 72 अंक, अर्थात 180 का 40% अर्थात 72 अंक लाना अनिवार्य है। और जो SC ST या दिव्यांगजन हैं उनको 32% अर्थात 58 अंक लाना अनिवार्य है। आगे लिखा है कि विद्यार्थी को दोनों प्रश्न पत्रों के बीच परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी, अर्थात एक बार परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने के बाद जब तक दोनों पेपर आपके नहीं हो जाते हैं तब तक आपको परीक्षा कक्ष से बाहर या परीक्षा केंद्र से बाहर नहीं आने दिया जाएगा। जो मानसिक योग्यता का पेपर है इसके अंतर्गत जो 90 प्रश्न हैं उसमें संजातता, वर्गीकरण, श्रृंखला, आकृति, छुपी हुई आकृति पहचानना, खंड समुच्चय इत्यादि से संबंधित प्रश्न होंगे। जो शैक्षिक योग्यता के अंतर्गत जो 90 प्रश्न हैं उनमें से 35 प्रश्न विज्ञान के होंगे, 35 प्रश्न सामाजिक विज्ञान के होंगे और 20 प्रश्न गणित के होंगे। अर्थात विद्यार्थी को जो है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों पर अधिक जोर देना है। आगे लिखा है कि छात्रों को दोनों परीक्षाओं अर्थात सेट मैट दोनों में पास होना आवश्यक है, दोनों में कुल मिलाकर 40% अंक प्राप्त करना होगा। जो आवेदन है केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे, किसी भी प्रकार से ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। आगे लिखा है कि SC ST के लिए जाति प्रमाण पत्र और दिव्यांगजन के लिए दिव्यांगता का प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदक को समान श्रेणी का माना जाएगा, अर्थात उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जो आय प्रमाण पत्र है इसका शपथ पत्र जो है निर्धारित प्रारूप में संलग्न करना अनिवार्य है, जो इस नियम पुस्तिका के साथ संलग्न है। जो आवेदन भरने की प्रक्रिया है और जो प्रेस पत्र प्राप्ति की लिंक है वह RSKMP.IN से होगी, अर्थात जो आवेदन फार्म है वह राज्य शिक्षा केंद्र की वेबसाइट के माध्यम से भरा जाएगा और यहीं पर आपको प्रवेश पत्र प्राप्त होगा। आगे लिखा है पुनः परीक्षण या पुनर्मूल्यांकन। इस परीक्षा के लिए पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है और ना ही किसी प्रकार का यात्रा भत्ता विद्यार्थी को दिया जाएगा। आगे लिखा है महत्वपूर्ण निर्देश। तो विद्यार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के आधा घंटा पहले परीक्षा केंद्र में पहुंचना है। विद्यार्थी को किसी प्रकार की कॉपी, पेन, मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर इत्यादि लेकर वहां नहीं पहुंचना है। जो प्रश्न हैं ऑब्जेक्टिव प्रकार के होंगे, किसी प्रकार का ऋणात्मक अंकन नहीं है, अर्थात माइनस मार्किंग नहीं है। यदि कोई प्रश्न गलत होता है तो आपके अंक नहीं काटे जाएंगे। और परीक्षा हाल में जो है केवल प्रवेश पत्र ले जाना है, काला अथवा नीला बाल पॉइंट पेन ले जाना है, जेल पेन मान्य नहीं है। जो दो पेन में से कोई एक पेन आपको ले जाना है, चाहे काले रंग का या नीले रंग का, इनसे आपको गोले काले करने हैं। अभी इसकी नियम पुस्तिका है, नियम पुस्तिका में फिर लिखा हुआ है वही कि परीक्षा जो है 24 सितंबर 2023 को आयोजित होगी और विद्यार्थी को कक्षा 9वीं से 12वीं तक 12,000 प्रतिवर्ष के मान से छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। पात्रता आरक्षण जो हमने अभी आपको बतलाया वही सब इसमें दिया हुआ है और समय सारणी वही है जो आपको बतलाया अभी मैंने। जो परीक्षा दिनांक है 24 सितंबर 2023 रविवार है। जो मानसिक योग्यता का पेपर है वह प्रातः 10:45 से प्रारंभ होगा और जो प्रश्न पत्र का वितरण है 10:55 पर हो जाएगा और जो है 12:30 तक आपको इसको पूरा करना है। इसके बाद जो दूसरा पेपर है उसकी आपको OMR शीट 12:30 पर दे दी जाएगी और इसके बाद जो है 12:40 पर आपको पेपर दे दिया जाएगा। इसके बाद जो है आपको 2:15 तक इस पेपर को पूरा करना है। साथ ही अब देखते हैं आवेदन की प्रक्रिया। आपको जैसे पहले बतलाया है कि आवेदन जो है केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे, किसी प्रकार से मैनुअल
या डाक से भेजे गए आवेदन मान्य नहीं होंगे। परीक्षा के आवेदन पत्र, संकुल प्रचार द्वारा दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां जैसे कक्षा सातवीं की अंक सूची, आय प्रमाण पत्र, SC ST या दिव्यांगता का प्रमाण पत्र सत्यापित कर ऑनलाइन ही भरे जाएंगे। अर्थात जो आवेदन फार्म है, संकुल प्रचार द्वारा ये प्रमाण पत्र सत्यापित किए जाएंगे, इसके बाद जो है आवेदन फार्म ऑनलाइन भरे जाएंगे। आगे लिखा है कि जात प्रमाण पत्र या जो दिव्यांगता का प्रमाण पत्र है, इसको पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदक को समान श्रेणी का माना जाएगा। आगे लिखा है कि रिजल्ट जारी होने के बाद विद्यार्थी का जो आवेदन पत्र है संकुल कार्यालय में सुरक्षित रहेगा। आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और उसकी जो SBI बैंक का जो खाता है, बचत खाता, वह वहाँ पर जमा करना होगा। इसके बाद जो है इस रिकॉर्ड को 4 साल तक सुरक्षित रखा जाएगा, जिसके माध्यम से बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। आगे लिखा है कि आवेदन पत्र में उल्लिखित जानकारी में किसी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के साथ लगाया जाने वाला फोटोग्राफ रंगीन साइज दिया है इसका और अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए। आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी पर निर्धारित स्थान पर फोटोग्राफ चस्पा किया जाना अनिवार्य है। अर्थात जो आपको आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी है, एक प्रति आपको संकुल कार्यालय में जमा करना है। आगे लिखा है कि जो काले चश्मे के साथ फोटो खिंचवाया जाता है, वह फोटो मान्य नहीं होगा। यदि पढ़ने के लिए चश्मा का उपयोग करते हैं तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। और आपको जो है आवेदन पत्र में निर्धारित जगह पर हस्ताक्षर करने होंगे, लघु हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे। साथ ही जो हस्ताक्षर करने हैं उन्हें अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है और ना ही एक से अधिक बार हस्ताक्षर करने हैं। हस्ताक्षर पूर्णतः जो है स्पष्ट होना चाहिए। तो साथियों, निर्देश जो पहले आपको बतला चुके हैं, फिर आगे दिया है परीक्षा केंद्र। जो परीक्षा है 52 जिले के ब्लॉक मुख्यालयों पर आयोजित की जाएगी, अर्थात प्रत्येक ब्लॉक पर इसका एक सेंटर होगा, वहां पर परीक्षा आयोजित होगी। फिर आगे दिया है मूल्यांकन पद्धति। लिखा है कि सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जाएगा और गलत उत्तर अंकित करने पर 0 अंक प्रदान किया जाएगा। किसी प्रकार की माइनस मार्किंग नहीं होगी। फिर आगे दिया है आवेदन पत्र भरने के लिए शिक्षकों को दिशा निर्देश। तो अध्यापक साथियों के लिए निर्देश हैं, इसमें लिखा है कि इस छात्रवृत्ति हेतु केवल मध्य प्रदेश में स्थित शासकीय अनुदान प्राप्त स्थानीय निकाय द्वारा संचालित विद्यालयों में सत्र 2023-24 में कक्षा 8वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी ही पात्र हैं। अर्थात सत्र 2023-24 में जो विद्यार्थी कक्षा 8 में सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, वे ही इसके लिए पात्र हैं। और विद्यार्थी ने कम से कम सी ग्रेड प्राप्त किया हो और विद्यार्थी के माता पिता की सकल आय 350,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आवेदन पत्र भरने के लिए कुछ कोड दिए गए हैं, जिसको आवेदन पत्र में इस प्रकार से भरना है। और लिखा है कि जो आवेदन पत्र है उसको केवल अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में भरना है। माता पिता की शिक्षा के लिए कोड दिए गए हैं कि माता पिता कहाँ तक शिक्षित है। यदि प्राथमिक स्तर तक शिक्षित है तो कोड 2 भरेंगे, स्नातक है तो कोड 6 भरेंगे। इस प्रकार से इनको देख कर कोड भर देना है। इसी प्रकार से माता पिता के व्यवसाय के संबंध में ये कोड दिए गए हैं। यदि किसान वगैरह है तो 5 भरना है और व्यवसायी है तो कोड 1 भरना है। इस प्रकार से इनको देखकर आप कोड भर सकते हैं। आवेदन भरने के लिए जो है स्कूल शिक्षक की लॉगिन आईडी पर
राज्य शिक्षा केंद्र की वेबसाइट के माध्यम से भरे जाएंगे। अर्थात जो आवेदन है वह शिक्षक की लॉगिन आईडी के माध्यम से राज्य शिक्षा केंद्र की वेबसाइट के माध्यम से भरे जाएंगे। जैसे टीचर्स राज्य शिक्षा केंद्र की वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर एक मेनू आता है राष्ट्रीय मीन्स कम स्कॉलरशिप वाला, वहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध होगी और स्कूल के डैश कोड के अंतर्गत सभी कक्षा 8वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थी की सूची दिखाई देगी। तो जो छात्र पात्र है उस पर क्लिक करना होगा अध्यापक को। क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन फार्म ओपन हो जाएगा और उसमें कुछ जानकारी पहले से भरी होगी, उसको जो है एडिट किया जा सकता है। तो शिक्षकों को जो है ध्यानपूर्वक आवेदन करना होगा और उसको जो है ठीक से फार्म को भरना होगा। शिक्षक को एप्लीकेशन फार्म भरने के बाद जो है विद्यार्थी के निम्न दस्तावेजों की फोटोकॉपी का फोल्डर बनाना अनिवार्य होगा, अर्थात मोबाइल के माध्यम से उसकी जो दस्तावेज है उसके उसका फोल्डर बनाना होगा जिसके प्रत्येक पेज पर विद्यार्थी की समग्र आईडी लिखी होगी। पेज के पीछे निम्न जानकारी दर्ज करनी होगी, जैसे विद्यार्थी का नाम, समग्र आईडी का फोल्डर, विद्यालय का नाम, डैश कोड, शिक्षक का नाम और मोबाइल नंबर। और आपको बता दें कि शिक्षक को जो है विद्यार्थी की फ़ोटो खींचनी होगी और यहाँ पर उसको हस्ताक्षर, सॉरी उसका नाम लिखना होगा कैपिटल लेटर में और नीचे उसके हस्ताक्षर करवाने होंगे और पिक्सल लैब के माध्यम से इसको जो है आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आगे दिया है कि समस्त विद्यार्थी जिनको राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति चयन परीक्षा के लिए नॉमिनेट किया गया है उनके निम्न दस्तावेजों को संकुल प्रचार कार्यालय को संधारित किया करने हेतु प्रेषित किया जाएगा। अर्थात एक हार्ड कॉपी आपको जो है या शिक्षकों को जो है संकुल कार्यालय में जमा करनी होगी। उसमें विद्यार्थी की कक्षा 7वीं की अनुसूची, आय प्रमाण पत्र, SC/ST का प्रमाण पत्र, छात्र का नवीनतम रंगीन साइज का पासपोर्ट साइज फ़ोटो जिसमें दिनांक का उल्लेख हो और उसके हस्ताक्षर हों। इस प्रकार से ये जो है आवेदन फार्म भरे जाने हैं। आगे दिया है संकुल प्रचार के बारे में, ऑनलाइन आवेदन में नियत स्थान पर विद्यार्थी का नवीनतम फ़ोटो स्कैन कर लगाया जाए, विद्यार्थी का फ़ोटो हस्ताक्षर सहित हो, फोटो में चेहरा साफ हो, फार्म में जो जानकारी भरी है वह संकुल प्रचार से प्रमाणीकृत हो अर्थात सही हो। और इस परीक्षा में जो है दिया है कि OBC को किसी प्रकार का आरक्षण नहीं दिया गया है, उन्हें समान श्रेणी में मान्य किया गया है, अतः OBC के वर्ग छात्र वर्गों को जो है समान श्रेणी में टिक किया जाए। और दिया है कि चयन परीक्षा ऑनलाइन आवेदन फार्म भरते समय वही जानकारी भरी जाए जो विद्यार्थी के आधार कार्ड में है। आधार कार्ड, अंग सूची, बैंक अकाउंट में जानकारी समान होना चाहिए। भिन्नता होने पर छात्रवृत्ति से वंचित रहने की स्थिति में जो सत्यापनकर्ता अधिकारी है अर्थात संकुल प्रचार है वह जिम्मेदार होगा। और दिव्यांग श्रेणी में आरक्षण तभी मिलेगा जब दिव्यांगता 40% हो या उससे अधिक हो। आवेदन पत्र सही सही भरा जाए, आवेदन पत्र शिक्षक द्वारा या संकुल प्रचार पर द्वारा जो है निःशुल्क भरा जाएगा। आगे फिर से लिखा है कि परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद विद्यार्थी के आवेदन पत्र, संकुल प्रचार द्वारा विहित आय प्रमाण पत्र, भारतीय स्टेट बैंक का खाता संख्या, IFSC कोड की जानकारी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से भरी जाएगी। तो साथ ही इस प्रकार से जानकारी थी कि कौन से बच्चे राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षाएं बैठने के पात्र हैं और आवेदन फार्म किस प्रकार से भरना है। जैसा कि आपको बताया कि आवेदन फार्म भरने की प्रक्रिया 1 जुलाई 2023 से प्रारंभ हो गई है, यह जो है 20 जुलाई 2023 तक चलेगी और जो परीक्षा है वो 24 सितंबर 2023 दिन रविवार को आयोजित होनी है। और जो परीक्षा का पाठ्यक्रम है वैसे तो कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं है, परंतु कक्षा 7वीं और 8वीं की विज्ञान,
सामाजिक विज्ञान और कक्षा 7वीं 8वीं की मैथ का अध्ययन करना लाभकारी होगा। अर्थात कक्षा 7वीं 8वीं में जो हमने सीखा है, बहुविकल्प हैं, सही जोड़ियां हैं, खाली स्थान हैं, तो कक्षा 7वीं 8वीं के विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के अच्छे से याद कर लें, पढ़ लें और कक्षा 7वीं 8वीं की मैथ का अध्ययन ठीक से कर लें। इतना करने के बाद आपका चयन इस परीक्षा में हो जाएगा। साथियों, आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।